रही है। कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, वन मिनट सर। तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया 2/3 बहुमत से। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। कुछ संशोधन की बातें जरूर सामने आई हैं, जो इस वक्त लोकसभा स्पीकर की ओर से पढ़ी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है 2/3 के बहुमत के साथ। 2/3 बहुमत वाले हां वाले वोटिंग के साथ महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। संसद से इस वक्त की बड़ी खबर है, लोकसभा से इस वक्त की बड़ी खबर है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया। नए संसद भवन में कल ही ये बिल पेश किया गया था, टेबल किया गया था केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से, मंत्री की ओर से, और आज ये बिल पास हो गया। पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, वहीं विरोध में 2 वोट पड़े हैं। पक्ष में 454 वोट, तो भारी वोटों से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 454 वोटों के साथ महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ। विरोध में भी 2 वोट पड़े हैं। ये 2 वोट किसके हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ एक तरफा पक्ष में वोट पड़े हैं। महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट, एक तरफा वोटिंग हो गई है। 454 वोटों से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। 27 सालों से ये बिल लटका हुआ था। लगभग 3 दशक का वक्त बीत गया जब संसद में विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात उठी, और अब जाकर लगभग 3 दशक बाद, 27 साल बाद लोकसभा से ये बिल पास हुआ है। पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, यानी कि एक तरफा वोटिंग, और विरोध में 2 वोट पड़े हैं। हालांकि कुछ संशोधन की भी बात सामने आ रही है, डिमांड अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से रखी गई है, नोट रखे गए हैं, जो इस वक्त लोकसभा